हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अरिहंत की सब्जेक्टिव बुक वाली ये सीरीज चल रही है। ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो कि किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर GK और GS पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में ये कवर कराता है। किसी एक एग्ज़ाम के लिए पार्टिकुलरली नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे कवर कर रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर आज का हमारा टॉपिक होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में हम लोग रिलीजन की बात करेंगे। तो रिलीजन क्या होता है दोस्तों? जब आप एक बिलीफ सिस्टम को, किसी भी एक बिलीफ सिस्टम को कल्चरल सिस्टम के साथ और वर्ल्ड के व्यूज़ के साथ अगर आप ऐड कर देते हो, ताकि वो स्पिरिचुअलिटी ह्यूमैनिटी को जो है रिलेट करे स्पिरिचुअलिटी के लिए और मोरल वैल्यूज़ के लिए, तो वो हो जाता है रिलीजन। सो रिलीजन इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलीफ सिस्टम, कि आप क्या बिलीव करते हो। आप, हो सकता है कि आप एक पार्टिकुलर फॉर्म में बिलीव करते होगे, जैसे कि हिंदुइज़्म में क्या है, देवी देवताओं में बिलीफ होता है। इस्लाम में क्या है, इस्लामिज़्म में प्रॉफिट पे बिलीफ है। तो बिलीफ सिस्टम होगा, कल्चरल सिस्टम होगा। जैसे कि कल्चरल सिस्टम, अगर मैं हिंदुइज़्म से रिलेटेड कहूँ, तो पूजा पाठ एक कल्चरल सिस्टम का पार्ट है, भजन गाना एक कल्चरल सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा वर्ल्ड के व्यूज़, ठीक है, दैट रिलेट ह्यूमैनिटी टू स्पिरिचुअलिटी एंड समटाइम्स टू मोरल वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड रिलीजन। सो रिलीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट बिलीफ। आपका क्या बिलीफ है, दैट डजेंट मैटर, इट इज़ अ पब्लिक बिलीफ इन इट्स सोशल कैरेक्टर। सो हिंदुइज़्म की बात करेंगे सबसे पहले, रिलीजन में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुइज़्म में। सो हिंदुइज़्म इज़ वॉट, हिंदुइज़्म इज़ कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू रैदर दैन रिजिड सिस्टम ऑफ बिलीफ। हमारा जो हिंदुइज़्म है वो रिजिड सिस्टम बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे स्कोप है अमेंडमेंट का। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक ज्ञान होता है, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू रैदर देन ए रिजिड सिस्टम ऑफ बिलीफ। देयर इज़ नो स्पेसिफिक फाउंडर ऑफ द रिलीजन। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कोई जिसने इस पार्टिकुलर हिंदुइज्म को फाउंड कर दिया, ऐसा नहीं है। दिस हैज़ इवॉल्व्ड एज अ, देयर इज़ नो स्पेसिफिक फाउंडर, लोगों ने इसे फाउंड किया है। इट्स रूट कैन बी ट्रेस्ड इन द हिस्टोरिकल वैदिक रिलीजन ऑफ द आयरन एज इंडिया। ठीक है, आयरन एज जो था उससे रिलेटेड एक वैदिक रिलीजन से ही हिंदुइज्म स्टार्ट होता है, जिसमें ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म स्टार्ट होता है। हिंदुइज्म इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद जो कोई थर्ड लार्जेस्ट कोई रिलीजन है वो है हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म प्रोमिनेंट टेक्स्ट आर वेदास, रामायणाज एंड महाभारत। ठीक है, प्रोमिनेंट जो टेक्स्ट हैं हिंदुइज्म में वो है वेद। वेदों में चार वेद हैं, आप जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। रामायण और महाभारत दो काव्य हैं, तो ये प्रोमिनेंट टेक्स्ट हो जाते हैं हिंदुइज्म से रिलेटेड। वही अगर बात करें इस्लाम की, तो प्रॉफिट मोहम्मद को माना जाता है, ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम। प्रॉफिट मोहम्मद जो है, ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम। कुरान जो है इस्लाम की होली बुक है, कुरान जो है इस्लाम की होली बुक है। इसमें जो है पूरा सब कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है इस्लाम के बारे में। इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन आफ्टर क्रिश्चियनिटी। ठीक है, आफ्टर क्रिश्चियनिटी जो है इस्लाम जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड में। मोस्ट मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डोमिनियंस, दैट इज़ सिया एंड सुन्नी। अब इसमें भी सेक्ट बटा हुआ है, इस्लाम में दो सेक्ट हैं, या फिर डिनोमिनेशन कह सकते हैं, सिया है और सुन्नी है। सुन्नी वो हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को ही मेन अपना जो है लीडर मानते हैं, मेन भगवान मानते हैं, मेन मतलब कि अल्लाह जो है मानते हैं। और सिया जो है ऐसा मानते हैं कि भाई नहीं, अली अली जो थे वो उनके जो है उनमें विश्वास रखते हैं। तो थोड़ा सा इनमें अंतर है, ठीक है, सिया और सुन्नी में, ये आपस में लड़ते भी रहते हैं। सो इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया इन द AD 8th century, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, उसी के साथ जो है इस्लाम जो है इंडिया में आया। अब हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी का जो फाउंडर माना जाता है वो जीसस क्राइस्ट को माना जाता है, जीसस क्राइस्ट को माना जाता है। ठीक है, एंड बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी। जैसे इस्लाम में क्या है, इस्लाम में कुरान इज़ द होली बुक, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में अगर बात करें तो बाइबल इज़ द होली बुक।
एंड क्रिश्चियनिटी इज मेनली डिवाइडेड इन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। यहाँ पर भी डिवीज़न है, तो देखो धर्म में भी बहुत सारे डिवीज़न आपको मिल जाएंगे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में ये बटे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन, सबसे नंबर वन पे यही है, नंबर टू पे इस्लाम है, नंबर थ्री पे हिंदुइज्म है। होली टेक्स्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी आर द ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। चलिए बात करेंगे सिखिज्म की। सिखिज्म के फाउंडर जो हैं वो गुरु नानक देव हैं, ये पहले सिख गुरु भी थे। इनका जो है जन्म पाकिस्तान के नानकाना प्रोविंस में होता है, ठीक है। एंड गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये होली बुक है इस पार्टिकुलर रिलीजन का, सिखिज्म का। सिखिज्म इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में ये थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है आफ्टर इस्लाम, ठीक है। इनिशियली फर्स्ट कहें तो इंडिया में जो नंबर वन है वो हिंदुइज्म है, नंबर टू पे इस्लाम है, और नंबर थ्री पे इंडिया में सिखिज्म है। सिखिज्म डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ जब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी और इसे एक वॉरियर क्लैन बना दिया था। वही अगर बात करें बुद्धिज़्म का, तो महात्मा बुद्धा जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्धा ने इसे फाउंड किया था। बुद्धिज़्म इज़ द इंडिजीनस रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत का खुद का रिलीजन है ये, भारत में ही पैदा हुआ है, ठीक है। इट इज़ द इंडिजीनस रिलीजन ऑफ इंडिया महात्मा बुद्ध के द्वारा। इसके तीन जो बुक है उसे त्रिपिटका कहा जाता है, इसके होली बुक तीन है, त्रिपिटक कहा जाता है जिसे, जिसमें शुद्ध पितक, विनय पितक और अभिधम्म पितक है, ठीक है। शुद्ध पितक, विनय पितक और अभिधम्म पितक है। द थ्री जेवल्स ऑफ बुद्धिज़्म आर बुद्धा, धम्मा एंड संघा, ठीक है। बुद्धिज़्म में तीन जेवल भी कहा गया है, वो है बुद्धा, धम्मा एंड संघा। वही बात करके बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट जनरली क्लासीफाई देमसेल्फ एज ईदर थेरावादा और महायाना, या फिर थेरावादा की जगह पे हीनयान या महायान कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। दो सेक्ट में ये बटे हुए हैं, हीनयान और महायान। हीनयानी वो होते हैं जो कि अपने आप को जो है कहते हैं कि हम जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग है उसी में विश्वास करेंगे, बोधिसत्वा में हमारा इतना कोई विश्वास नहीं है, बुद्धा को हम गॉड की तरह नहीं मानते, वो एक इंसान थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम मानेंगे। बट महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई, बुद्ध को भगवान मानने लग गए। खैर, अगला आता है जैनिज्म। जैनिज्म जो है महावीर स्वामी इसके फाउंडर हैं जैनिज्म के, ठीक है, महावीर स्वामी, और 24वें तीर्थंकरा थे। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24वें यानी कि आखिरी जो तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी ही हुए। जैनिज्म इज़ अ रिलीजन इंडिजिनस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगेन, जस्ट लाइक बुद्धिज़्म। जैनिज़्म भी जो है इंडियन रिलीजन का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इंडिजिनस जो है रिलीजन है। होली बुक इसका जो है कल्प सूत्राज है, ठीक है, कल्प सूत्राज जो है इसके होली बुक्स हैं। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म आर अनेकांतवाद, कि बोलते हैं कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं कह सकते कि भाई यही सिद्धांत है, यही से हट के कुछ भी नहीं है। अनेकांतवाद की मतलब सिस्टम ऑफ प्लुरालिटी पे विश्वास करते हैं। स्यादवाद मतलब कि शायद हो सकता है, हो नहीं सकता है, इस स्यादवाद की भी थ्योरी की बात करते हैं। एंड न्यायवदा पे ये बात करते हैं, इनके जो है मेन डॉक्ट्रिन है। द टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म ये भी दो भागों में बटा हुआ है, श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़े पहनते हैं, दिगंबरा एकदम स्ट्रिक्ट मॉन्क होते हैं जो कि कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते, नग्न होते हैं। जैन होली टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ पूर्वाज, अगमाज, अंगाज एंड उपांगाज, ठीक है। जैन होली टेक्स्ट जो है वो पूर्वाज हैं, अगमाज हैं, अंगाज हैं और उपांगाज हैं। अब लैंग्वेजेस की बात करेंगे हम, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो हम रिलीजन के बाद लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत एक बहुत फेमस लैंग्वेज है, इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। संस्कृत को जो है मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस कहा जाता है, कहा जाता है कि इसी से बहुत सारे लैंग्वेज इंडिया में निकले हैं। द वेदा, उपनिषद, पुराणास, धर्मसूत्रास, ऑल आर दीज थिंग्स रिटन इन संस्कृत। वेदों की भी रचना संस्कृत में हुई है। बट ऐसा आप सोचो कि अभी मॉडर्न डे का जो संस्कृत चल रहा है क्या वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। उस समय का संस्कृत थोड़ा अलग हुआ करता था, बट है संस्कृत ही। उपनिषद भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं, पुराणास भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं, धर्मसूत्रास भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। एंड संस्कृत इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस मेंशन किए गए हैं, उसमें संस्कृत भी है। द धर्म सूत्रास, द मनुस्मृति, द अर्थशास्त्र एंड गीत गोविंद आर फेमस बुक्स रिटन इन संस्कृत। धर्म सूत्रा जो है संस्कृत में लिखा गया, मनुस्मृति जो कि मनु की रचना है ये भी संस्कृत में है। इसके अलावा अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा था ये भी एक
इसी लैंग्वेज में, संस्कृत की लैंग्वेज में लिखी गई रचना है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है, ये भी संस्कृत में लिखी गई है। पाणिनि जो कि एक बहुत बड़े ग्रामेरियन थे, कौटिल्य जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्र थे, और कलहण जिन्होंने अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं करी हैं, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता, दे ऑल आर फेमस राइटर्स ऑफ वॉट संस्कृत, संस्कृत के लैंग्वेज में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। अब हम बात करेंगे पाली लैंग्वेज की, संस्कृत के बाद बात कर लेते हैं दोस्तों पाली लैंग्वेज की। तो पाली जो है एक किस लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करता है पाली, विच वाज यूज फॉर द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स है अर्लीस्ट उनमें ये मेंशन इसी लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड पाली लिटरेचर इज मेनली कंसर्न विद द थेरावादा बुद्धिज्म से ये बिलोंग करता है। तेलुगु लैंग्वेज की बात करें तो विजयनगर एम्पायर की बात सुनी होगी, विजयनगर पीरियड की बात सुनी होगी, उसी समय ये तेलुगु जो है लिटरेचर का गोल्डन पेज एज माना जाता है। विजयनगर एम्पायर मॉडर्न डे कर्नाटका में ये हुआ करता था, ठीक है। तो विजयनगर पीरियड आपने सुना होगा जिसमें सलुआ तलुआ और अरवेदु जो है तीन अरवेदु जो है ये तीन जो है डायनेस्टी हुआ करती थी। तो विजयनगर पीरियड में तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। एट तेलुगु लिटरेचर ल्यूमिनरीज जो है पॉपुलरली नोन एज अष्टा दिग्गज, ये इस से रिलेटेड है तेलुगु से, इन्होंने खूब सारा जो है अपना रचनाएं की है तेलुगु लैंग्वेज में। रामकृष्ण वॉज द ऑथर ऑफ पांडुरंग महात्म्याम विच वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएटिकल वर्क इन द तेलुगु लिटरेचर। अब आता है कन्नड़ा, कन्नड़ा जो है लैंग्वेज मेनली कर्नाटका में फेमस हुआ, और इसके फेमस जो राइटर हुए वो कवि राजमार्ग जो कि लिखा गया किसके द्वारा, किंग निरपंतुंगा अमोघ वर्षा वन के द्वारा। सो कन्नड़ा लैंग्वेज जो है डेवलप हुआ फुली आफ्टर द 10th century AD, ठीक है, 10वीं सेंचुरी AD के बाद ही ये फुली डेवलप हुआ। द अर्लीस्ट नोन लिटरेरी वर्क इन कन्नड़ा इज कवि राजमार्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि कविराज मार्ग किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आंसर होगा कन्नड़ा। किसने लिखा है, तो ये राष्ट्रकूट किंग थे अमोघ वर्ष वन ने इसे लिखा है। पंपा नोन एज द फादर ऑफ कन्नड़ा रोट हिज ग्रेट पोएटिक वर्क्स आदि पुराना एंड विक्रम अर्जुन विजया इन 10th century AD। पंपा जो है जो कि फादर माने जाते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज के, ही रोट हिज ग्रेट पोएटिक वर्क्स आदि पुराना एंड विक्रम अर्जुना विजया इन द 10th century AD। अगला है मलयालम, मलयालम जो है केरल की लैंग्वेज है मेनली। सो द लैंग्वेज ऑफ मलयालम इमर्ज्ड अराउंड 11th century AD एंड बाई द 15th century AD मलयालम वॉज रिकोगनाइज्ड एज द इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसमें जो है भाषा कौटिल्य ए कमेंट्री ऑन अर्थशास्त्र एंड कोक्स दिसाम आर द ग्रेट वर्क इन दिस लैंग्वेज, पर्टिकुलरली मलयालम। अच्छा, नाम में देखें तो बहुत बड़ा नाम आता है रामा पन्नीकर का, रामा पन्नीकर एंड रामानुजन इजुथाचन आर वेल नोन ऑथर्स ऑफ मलयालम लिटरेचर। नाउ विल डिस्कस अबाउट तमिल लैंग्वेज। तमिल इज मदर लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली का जो है मदर माना जाता है तमिल को। संगम लिटरेचर जो कि लिखे गए थे, ठीक है, और साउथ की हिस्ट्री को, साउथ इंडिया के किंगडम्स को, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। दीज लिटरेचर्स वेर कलेक्शन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोएम्स कंपोज बाय वेरियस पोएट्स इन प्रेज ऑफ न्यूमरस हीरोज एंड हीरोइंस। सो तमिल इज द मदर ऑफ द्रविडियन फैमिली, जो भी द्रविडियन लैंग्वेज की लैंग्वेजेस है उस फैमिली का जो मदर है वो है तमिल लैंग्वेज। द संगम लिटरेचर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोएम्स कंपोज बाई वेरियस पोएट्स इन प्रेज ऑफ न्यूमरस हीरोज एंड हीरोइंस, ठीक है। तो ये मेनली जो है संगम पीरियड जो था, संगम लिटरेचर कह सकते हैं, उसमें क्या था, उसमें तमिल पोएट्स डिफरेंट जो है प्रेज ऑफ हीरोज एंड हीरोइन में उन्होंने कंपोज किया था। संगम लिटरेचर साउथ के किंगडम्स को, साउथ की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देर आर अबाउट 30,000 लाइन्स ऑफ द पोएट्री विच आर अरेंज इन 8 एंथोलॉजीज कॉल्ड इत्तु तोकाई जो है वो 8 जो है एंथोलॉजीज है, जो कि 30,000 लाइन्स की पोएट्रीज टोटल में है।
अब अगर हम बात करें एक और लैंग्वेज की, तो वो है पर्शियन एंड उर्दू। ठीक है, पर्शियन से ही उर्दू का जन्म होता है। तो उर्दू इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th century AD। ठीक है, एंड उर्दू एज ए लैंग्वेज वॉज बॉर्न आउट ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन हिंदी एंड पर्शियन। ठीक है, हिंदी और पर्शियन के इंट्रैक्शन से ही बना है ये। उर्दू बिकम मोर पॉपुलर इन द अर्ली 18th century, जब बहुत बड़े बड़े जो है पोएट्स आए थे, जैसे कि अमीर खुसरो एक्सेट्रा। उसके पहले अमीर खुसरो आ गए थे, बट उसके बाद जो है काफ़ी 18th century में इसका एवोल्यूशन हुआ। द अर्लीस्ट उर्दू पोएट इज़ सपोज टू बी खुसरो, अमीर खुसरो, जो कि खिलजी के साथ भी रह चुके थे। उर्दू हैज़ गिवन अस ए न्यू फॉर्म ऑफ पोएम कॉल्ड नज्म, नज्म। अगला है हिंदी। हिंदी जो है, हिंदी इज़ अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज थ्रू द प्रकृत एंड अपभ्रंशा। ठीक है, प्रकृत ही इवॉल्व होके, या फिर कह सकते हैं कि अपभ्रंशा ही इवॉल्व होके हिंदी बना है। इट इज़ स्पोकन लार्जली इन नॉर्थ इंडिया। आप आज भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन जो है हिंदी में ही बात करती है, चाहे वह बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ। तो भाषा जो है वो अलग होगा, बट बोली अलग होगा। ठीक है, जैसे बिहार का मैंने बोला तो वहाँ भोजपुरी बोली है, बट एक्चुअली जो है हिंदी काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है वहाँ पे। ऐसे इवोल्यूशन ऑफ हिंदी लिटरेचर कैन बी बेटर अंडरस्टैंड थ्रू 4 stages ऑफ आदिकाल, भक्ति काल, रीति काव्य काल एंड आधुनिक काल। ये सब काल से ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर आप देखते हैं लिटरेचर, लिटरेचर की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है बंगाली लिटरेचर। राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ये बहुत ही मॉडर्न ख्यालातों के आदमी थे। ही रोट इन बंगाली बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा ये बंगाली में भी लिखते थे, विच गेव एन इम्पेटस टू बंगाली लिटरेचर। अगर इसकी इनके अलावा बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका पीरियड जो था लाइफ स्पैन वो 1820 से लेकर 1891 तक का था, एंड अक्षय कुमार दत्ता, इनका जो था 1820 से लेकर 1886 तक का था। दे वर टू अदर राइटर्स ऑफ दिस अर्ली पीरियड जहाँ पे बंगाली लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा लिखी गई। इसके अलावा बात करें तो शरद चंद्र चटर्जी, जिनका पीरियड रहा 1876 से लेकर 1938 तक का, एंड आरसी दत्ता, ए नोटेड हिस्टोरियन एंड प्रोज राइटर, ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ बंगाली लिटरेचर। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम दैट इन्फ्लुएंस द होल इंडिया दैट वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर। इन ये कितने महान व्यक्ति थे आप जान सकते हो, नोबेल प्राइज़ भी जीता हुआ इन्होंने 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। सो नोबेल्स, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, क्रिटिसिज्म, म्यूजिक और एसे इनका काम था लिखने का, ऑल फ्लोड फ्रॉम हिज पेन, एंड ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913 इन फॉर द बुक वर्क गीतांजलि। असामी लिटरेचर की बात करें तो जस्ट लाइक बंगाली, असामी जो है ऑल्सो डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द भक्ति मूवमेंट, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग आए थे। इसके अलावा शंकर देव हु इंट्रोड्यूस बैसोनिज्म इन असाम हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ असामीज पोएट्री, इवन द पुरानाज वे ट्रांसलेटेड इन टू असामीज। तो देखिए होता क्या था, जहाँ जहाँ भक्ति मूवमेंट जाती थी वहाँ कोशिश किया जाता था कि जो वहाँ की रीजनल भाषा है, बोली है, उसमें उसे प्रोपोगेट किया जाए। तो इस तरीके से असामी भी निकल के आई। द अर्लीस्ट असामीज लिटरेचर कंसिस्टेड ऑफ बुरंजिस, दैट इज कोर्ट क्रॉनिकल्स। ठीक है, द अर्लीस्ट असामीज लिटरेचर कंसिस्टेड ऑफ बुरंजिस, दैट इज कोर्ट क्रॉनिकल्स। शंकर देव हैज़ लेफ्ट सेवरल डिवोशनल पोएम्स विच पीपुल सैंग विथ रैप्चरस प्लीजर, बट इट वॉज ओनली आफ्टर 1827 दैट मोर इंटरेस्ट वॉज सोन इन प्रोड्यूसिंग असामीज लिटरेचर। वही अगर बात करें उड़िया लिटरेचर की, तो देखिए उड़िया लिटरेचर भी अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लिटरेचर हो जाता है, बिकॉज उड़िया लैंग्वेज जो है ये शो करता है मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, जो है ये भी जो है संस्कृत से ही निकला है और बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस है संस्कृत का उड़िया लैंग्वेज पे। इट ओरिजिनेटेड इन द AD 9th century एंड इट्स लिटरेरी डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द 13th century। वर्थ मेंशनिंग बात यह है कि उड़िया जो लिटरेचर है, इट इज़ उड़िया जो लिटरेचर है आर फकीर मोहन सेनापति हैं, राधानाथ राय हैं, हुज राइटिंग्स डिजर्व्ड कंसिडरेबल अटेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ उड़िया लिटरेचर। तो दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फकीर मोहन सेनापति और राधानाथ रॉय। जो वर्ड है, द वर्क्स ऑफ उपेंद्र भांजा का वर्क जो है, जो कि 1670 से 1720 का पीरियड था इनका,
इन वर्क्स की बात करें तो देवेर इम्पॉर्टेंट एज दे असर्ड ए न्यू पीरियड ऑफ उड़िया लिटरेचर इन उड़ीसा द वर्क ऑफ सरला दास आर रिगार्डेड एज द फर्स्ट वर्क ऑफ उड़ीसा लिटरेचर। वही अगर हम बात करें पंजाबी लिटरेचर की तो पंजाबी इज ए लैंग्वेज विथ सेवरल सेट्स, बहुत सारे सेट्स हैं इसके। इट इज़ बींग रिटन इन टू स्क्रिप्ट, दैट इज़ गुरमुखी एंड पर्सियन, दो स्क्रिप्ट में लिखा गया। गुरमुखी तो आप जानते ही हैं कि जहाँ सिखिज़म की बात की जाती है वहीं से, मतलब सिखों का ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है। और इसके अलावा पंजाबी जो है पर्सियन स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है। सो गुरु नानक वॉज द फर्स्ट पोइट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म इन इंडिया। सम अदर कंटेम्प्रोरी पोएट्स मोस्टली सूफी सेंट्स यूज टू राइट इन दिस लैंग्वेज पंजाबी में। गुरु गोबिंद सिंह जी जो कि आखिरी दसवें और आखिरी गुरु थे सिखों के, ही वॉज एजुकेटेड इन पटना बिहार, ठीक है, पटना बिहार में ये एजुकेटेड हुए एंड वेयर ही लर्नड पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेजेज ऑल्सो। ही हैज़ कम्पोज टू सवाइयास, ठीक है, इन पंजाबी, बट दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द आदि ग्रंथ। सिमिलर इज द पॉपुलरिटी ऑफ बुल्ले शाह का नाम सुने होगा, हु वॉज ए सूफी सेंट, ही हैज़ कम्पोज अ लार्ज नंबर ऑफ सॉन्ग्स। आपने गाना भी सुना होगा, बुल्ले शाह ये कहता है, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, सो इंग्लिश केम इन टू इंडिया विद द ब्रिटिश, जब ब्रिटिशर्स आए तो डेफिनेटली इंग्लिश लेके आए एंड सून बिकम ए लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि इन्होंने प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में। सम ऑफ द अर्ली इंडियन वर्क्स इन इंग्लिश वेर रिटन बाई राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि काफ़ी मॉडर्न ख्यालातों के आदमी थे राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा हेनरी विवियन डेरोजियो एंड मधुसूदन दत्त, अरविंदो घोष रोट हिज एपिक पोएम सावित्री, अरविंदो घोष ने सावित्री लिखी थी, ए लेजेंड एंड अ सिंबल इन इंग्लिश। सो वही अगर बात करें, इंडियाज ओनली नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर इज रविन्द्रनाथ टैगोर, हु रोट सम ऑफ हिज वर्क ओरिजिनली इन इंग्लिश एंड डिड सम ऑफ हिज वर्क ओन सम एंड ही डिड सम ऑफ हिज ओन इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम बंगाली। सरोजनी नायडू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, दे ऑल्सो रोट इन इंग्लिश ऑल्सो ओनली। एंड नेहरूज की बात करें, नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है एंड द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दे आर क्वाइट पॉपुलर इन इंग्लिश लिटरेचर। सम नोटेबल इंडियन पोएट्स की बात करें हु राइट इन इंग्लिश आर निसीम इजेकील, डोम मोरेस, अरुण कोलाकार, इसके अलावा दिलीप चित्रे। अदर नोटेबल इंडियन राइटर्स आर खुशवंत सिंह, सलमान रसदी तो आज भी लिखते हैं, इसके अलावा विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, कमला मार्कंडेया, किरण देसाई, झुंपा लहरी, ये सब इंग्लिश में लिखते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। सो द म्यूजिक ऑफ इंडिया इज सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट अनब्रोकन म्यूजिकल ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड। म्यूजिक हमारे वेदों के पीरियड से ही शुरू हो चुका था, साम वेद को कहते हैं कि यहाँ से इंडियन म्यूजिक ओरिजिनेट हुआ है, तो ये अनब्रोकन म्यूजिकल ट्रेडिशन रहा है इंडिया में। इट इज सेड दैट द ओरिजिन ऑफ दिस सिस्टम गो बैक टू द वेदास, वेदों के पीरियड में साम वेदा स्पेशली, एंड वेदास वर द एंशियंट स्क्रिप्ट्स ऑफ हिंदूज। मेनी डिफरेंट लेजेंड्स हैव ग्रोन अप कंसर्निंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब अगर बात करें हम म्यूजिक की, तो म्यूजिक में आता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक में सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है। सो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन द नॉर्थ इंडिया, अराउंड 13th एंड 14th सेंचुरीज, ठीक है। हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, साउथ इंडिया में नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया में है। और साउथ इंडिया में कार्नेटिक म्यूजिक था, खैर, जो क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, इट वाज ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया अराउंड 13th एंड 14th सेंचुरी। इन कॉन्ट्रास्ट टू कार्नेटिक म्यूजिक, द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वाज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशियंट हिंदू म्यूजिकल ट्रेडिशंस एंड वैदिक फिलोसफी बट ऑल्सो बाई पर्शियन एलिमेंट्स। अब इसमें पर्शियन एलिमेंट्स भी है, ठीक है।
खैर, हिंदुस्तानी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन राग सिस्टम। तो जैसे आपने सुना होगा राग 82, राग 85, राग भैरवी, कई सारे राग सिस्टम पे बेस्ड है। सो द रागा इज अ मेलोडिक स्केल, जिस स्केल पे आप गाते हो ना वो स्केल को राग बना दिया जाता है। जैसे जिस स्केल पे आप गा रहे हो राग 82, राग 85, वो स्केल होता है उसमें, मतलब पार्टिकुलरली नोट्स होते हैं फ्रॉम द बेसिक 7 जो सा रे गा मा प ध नि सा है, सा रे गा मा प ध नि सा सा नि ध प, ठीक है, ऐसे है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स इंक्लूडेड इन इट, ईच रागा अटेंस ए डिफरेंट कैरेक्टर। ठीक है, नोट्स के हिसाब से हर रागा का जो है स्केल अलग है, कैरेक्टर अलग है। एंड द फॉर्म ऑफ रागा इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ एसेंट एंड डिशन। जैसे आप गाते गाते नहीं देखते हो कि सिंगर कैसे वो लेता है, लय लेता है, ऊपर तक अपना वो वॉइस लेके जाता है, फिर नीचे लाता है ऐसे करके। तो ये क्या है, एसेंट एंड डिशेंट होता है द नोट्स विच मे नॉट बी स्ट्रिक्टली लीनियर। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज प्राइमरली वोकल सेंट्रिक, मतलब कि वॉइस से ही गाया जाता है, वोकल सेंट्रिक होता है। द मेजर वोकल फॉर्म्स एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आर ख्याल, गज़ल, ध्रुपद, टप्पा, तरना एंड थुमड़ी। ठीक है, ये मेजर जो है वोकल फॉर्म्स हैं। चलिए तो इनके बाद करते हैं हम ठुमरी की बात करें, तो ये वोकल हम फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ठुमरी, इट इज़ एन इनफॉर्मल वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड इज सेड टू हैव बिगन विद द कोर्ट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, जो कि नवाब था अवध का। ठुमरी कहाँ से निकलता है, कोर्ट ऑफ द नवाब वाजिद अली शाह। तो आज भी आप यूपी में देखोगे ना तो ठुमरी काफ़ी ज़्यादा चलता है। फिर आप बात करें हम ख्याल की, तो ख्याल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वोकल म्यूजिक एडॉप्टेड फ्रॉम मिडिवल पर्शियन म्यूजिक। इट इज़ बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ परफॉर्मर। ठीक है, ख्याल जो है, ख्याल मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। तो वो ख्याल वाली जो म्यूजिक होती है वोकल एडॉप्टेड, ठीक है, वोकल म्यूजिक एडॉप्टेड फ्रॉम मिडिवल पर्शियन म्यूजिक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द परफॉर्मर। फिर बात करें ध्रुपद म्यूजिक की, इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ध्रुपद जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। करेंट जो है एक आपका MCQ बन सकता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, आंसर होगा ध्रुपद। ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाई मेल सिंगर्स, इसको ज़्यादातर मेल सिंगर्स ही गाते हैं। इट इज़ मोस्टली ए पोएटिक फॉर्म। तानसेन जो थे, तानसेन जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, तानसेन सैंग इन ध्रुपद स्टाइल। चलिए अगर बात करें हम ध्रुपद के बाद टप्पा की बात करेंगे, तो टप्पा जो है इट इज़ डेवलप्ड इन 18th century। टप्पा जो है 18th century में डेवलप हुआ फ्रॉम द फोक सिंग सॉन्ग्स ऑफ कैमल राइडर्स ऑफ पंजाब। तो पंजाब में जो मतलब ऊँट चलाने वाले लोग थे वो गाते थे टप्पा। दे आर इसेंशियली फोक लोर ऑफ लव एंड पैशन एंड आर रिटन इन पंजाबी एंड द डेवलप्ड एज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बाई मियाँ गुलाम नबी सोरी के द्वारा ये डेवलप किया। अब बात करें तराना, तो आप देखते हो ना कि तराना जो है इट इज़ अ मीडियम टू फास्ट पेस्ड सॉन्ग यूजुअली परफॉर्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंसर्ट। तराना एंड इट कंसर्ट मतलब जब कोई कंसर्ट ख़त्म होता है तब ये एंड ऑफ द कंसर्ट गाया जाता है तराना। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू लाइन्स ऑफ पोएट्री विथ रिदमिक सिलेबीज। फिर आप बात करें गज़ल, तो गज़ल तो सभी जानते होंगे, गज़ल आपने सुनी होगी। आज भी गज़लों के बहुत शौकीन लोग हैं और मॉडर्न डे में गज़ल गाने वाले थे हैं इनफैक्ट जगजीत सिंह जी। इट इज़ ए पोएटिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ रिमिंग कपलेट्स, दोहों को जो है मिला दिया गया है, राइमिंग कपलेट्स को मिला के ऑन लव एंड डिवोशन के ऊपर गज़ल लिखा जाता है। इट इज़ एन एंशियंट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन 6th century अरेबिक पोएट्री। इट स्प्रेड इन टू साउथ एशिया इन द 12th century ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी मिस्टिक्स। तो सूफी मिस्टिक्स के साथ ही साथ ये गज़ल म्यूजिक भी इंडिया में और साउथ एशिया कह सकते हैं फैली। अब हम बात कर लेते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके रिलेटेड जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो उन्होंने उसको काफ़ी फेमस बनाया है। तो जैसे कि रुद्र बीना की बात करें तो इसमें फेमस जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने वाद्य यंत्र से जुड़े हैं कह सकते हैं वो हैं असद अली खान रुद्र बीना से एंड इनके अलावा हैं जिया मोइनुद्दीन डागर।
संतूर के फेमस नाम है शिव कुमार शर्मा, संतूर के फेमस नाम है शिव कुमार शर्मा। सरोद वादक हैं बुद्धदेव दास गुप्ता, अली अकबर खान, अमजद अली खान, ठीक है, और इसके अलावा जो है बहादुर खान, इनके अलावा सरन रानी, जरीन एस शर्मा। वही अगर सारंगी की बात करें तो उस्ताद बिंदा खान इससे रिलेटेड काफ़ी फेमस है। सितार वादक पंडित रवि शंकर, इनके अलावा हरा शंकर भट्टाचार्य, इनके अलावा निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान। सर्व अहर की बात करें तो इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट या फिर वाद्य यंत्र से जुड़े जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो हैं सज्जाद हुसैन और अन्नपूर्णा। वीणा, वीणा से जुड़े हैं डोराई स्वामी अयंगर, इसके अलावा चिट्टी बाबू, इसके अलावा जुड़े हैं इमानी शंकरा शास्त्री, इसके अलावा हैं धनमल, धनामल, एस बालाचंद्रन और के आर कुमारास्वामी। वायलिन की बात करें तो वायलिन से जुड़े हैं कौन, गजानन राव जोशी, गजानन राव जोशी, एम एस गोपाल कृष्णन, टी एन कृष्णन, बालू स्वामी दीक्षितर, द्वारन वेंकट स्वामी नायडू, लालयुली जी जयरामन, इसके अलावा मैसूर टी चौदिया, वी जी जोग। वही अगर बात करें विंड इंस्ट्रूमेंट की, जो कि मतलब हवा से बजती है, फूंक मारोगे तो बजेगी, तो उसमें आता है फ्लूट। फ्लूट के बांसुरी वादक में कहें तो सबसे बड़े नाम है हरि प्रसाद चौरसिया, यहाँ पे देखिए हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। टी आर महालिंगम भी हैं, एन रमनी भी हैं, इसके अलावा जो है पन्ना लाल घोष भी हैं। वही अगर बात करें नाड़ा स्वरन की, तो नाड़ा स्वरन भी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, फूंक के बजाया जाता है। इसमें है फेमस शेख चिन्ना मौला, इसके अलावा नीरू स्वामी पिल्लई, इसके अलावा है राजा रतन पिल्लई। फिर अगर बात करें सहनाई में तो बहुत एक ही नाम काफ़ी फेमस है, बिस्मिल्ला खान, सहनाई वादक। अब हम बात करते हैं परक्यूशन, मतलब कि स्ट्राइकिंग थंपिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनको मतलब हाथ से पीट पीट के बजाय, जैसे तबला है ना, डुब डुब करके हाथ मारोगे तो बजेगा। स्ट्राइकिंग थंपिंग जो इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें हम परक्यूशंस कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे तो मृदंगम, मृदंगम में बहुत बड़ा नाम है पालघाट मणि अय्यर का, इसके अलावा कराईकुड़ी आर मणि का और पलघाट रघु का। फिर अगर बात करें पखवाग की, तो पंडित अयोध्या प्रसाद का काफ़ी बड़ा नाम है इसमें, गोपाल दास, बाबू राम शंकर पागल दास। इसके अलावा तबला वादक जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन बहुत बड़ा नाम तबला वादक, निखिल घोष, किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा तबला, ठीक है, अल्लाह रखा तबला, पंडित समता और समता प्रसाद, इसके अलावा कुमार बोस और लतीफ़ खान। फिर अगर कंजीरा की बात करें तो पुद्दुकोटाई दक्षिणा मूर्ति पिल्लई, इसका बड़ा नाम है। अब हम अगर वोकलिस्ट जो है इंस्ट्रूमेंट वोकलिस्ट की बात करें तो एक बार देखेंगे कौन से वोकलिस्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं, तो कार्नेटिक म्यूजिक से जुड़े हैं, कार्नेटिक म्यूजिक से जुड़े हैं जो कि सिंगिंग करते हैं कार्नेटिक फॉर्म में, वह एम एस सुबलक्ष्मी, एम एस सुबलक्ष्मी, बाल मुरली कृष्णा, बॉम्बे जयश्री रामनाथ, एच के राघवेंद्रा, इसके अलावा अरयाकुड़ी रामानुजन अयंगर वेंकट रमन, इसके अलावा सीतारा जम, इसके अलावा मणि कृष्ण स्वामी, अखिल कृष्णन, इसके अलावा एम एल वशंथा कुमारी, एम डी रामानाथन, जी एन बाल सुब्रमण्यम। अब अगर बात करें ध्रुपद म्यूजिक से रिलेटेड तो इसमें है उस्ताद रहीम फहीम उद्दीन डागर, ठीक है, उस्ताद रहीम फहीम उद्दीन डागर, जहीरुद्दीन डागर, वासीफुद्दीन डागर एंड इसके अलावा बुंदेचा बंधु, इसके अलावा पंडित अभय नारायण मलिक, इसके अलावा पंडित ऋत्विक सान्याल और उदय भावलकर। अब अगर बात करें हम हिंदुस्तानी म्यूजिक से जुड़े बड़े बड़े नाम, तो इसमें सुभा मुदगल हैं, इसमें मधुप मुदगल हैं, इसमें मुकुल शिवपुत्रा हैं, इसमें पंडित जसराज हैं, इसमें प्रवीण सुल्ताना हैं, इसी में नैना देवी हैं, गिरिजा देवी हैं, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान हैं, गंगू भाई हंगल हैं, कृष्णा हंगल हैं, वी राजपूत हैं, कुमार
गंधर्वा है। इसके अलावा जो और भी बड़े नाम हैं वो हैं फैयाज खान, मलिकरियन मंसूर हैं, भीमसेन जोशी हैं। वही अगर ठुमरी फॉर्म ऑफ म्यूजिक की बात करें तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हैं इसमें, उस्ताद मजहर अली खान हैं, उस्ताद जावद अली खान हैं। इसके अलावा पूर्णिमा चौधरी हैं, शांति हीरानंदा हैं, नैना देवी हैं और रीता गांगुली हैं। वही अगर बात करें कव्वाली गाने वाले तो कव्वालियों में गुलाम हसन नियाजी हैं, सुल्तान नियाजी हैं, गुलाम फरीद निजामी हैं, इकबाल हुसैन खान हैं। इसके अलावा बंदा नवाजी हैं, असलम सबारी हैं और चांद निजामी हैं। अब अगर हम बात करें डांस में तो इंडियन क्लासिकल डांसेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, डांस की ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस की। सो इंडिया हैज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड डांसेस, ठीक बात है। एंड सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस डांस जो है, डांस का फॉर्म जो है, ये ओरिजिनेट और इवॉल्व हुए इंडिया में और इनका नाम है भरतनाट्यम जो कि वर्ल्ड फेमस हो चुका है। कथक यूपी में काफ़ी फेमस है, कथक कली काफ़ी फेमस है, कुचिपुड़ी उड़ीसा, कुचिपुड़ी केरल सॉरी मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम ओडिसी और सत्रिया, ये सब कुछ क्लासिकल डांसेस है। क्लासिक ठीक है। अब जो बात करें स्पेसिफिकली भरतनाट्यम की तो सबसे पहले भरतनाट्यम की बात करते हैं। भरतनाट्यम जो है इट इज़ ए क्लासिकल इंडियन डांसेस ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये एक क्लासिकल इंडियन डांस है, कहाँ का? तमिलनाडु का। तो सवाल बनता है ऐसे ही कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये जो है इंडियन क्लासिकल डांस है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। द म्यूजिक भरतनाट्यम तमिलनाडु, द म्यूजिक एकम्पनिंग दिस डांस इज कार्नेटिक म्यूजिक, मतलब साउथ वाली म्यूजिक जो है इसको एकम्पनी करती है। इट इवॉल्व आउट ऑफ देवदासी सिस्टम ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो होता क्या था कि साउथ इंडियन टेम्पल्स में देवदासियाँ हुआ करती थी जो डांस करती थी और वो टेम्पल में परफॉर्मेंस होता था। टू फेमस स्टाइल्स आर पंडा नलूर एंड तंजौर। फेमस डांसर्स इसकी बात करें तो बहुत बड़े बड़े डांसर हैं जैसे कि ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंदले एंड अन्ना पोलोवा, रसियन हैं ये और ये भरतनाट्यम करती हैं। वही अगर बात करें कथक की तो मैंने बताया था कि कथक क्लासिकल डांस स्पेशली यूपी में यानी कि नॉर्थ इंडिया में फेमस है। कथक इज सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कथा, कथा से निकला है कथक, मीनिंग द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो ये एक डांस के थ्रू स्टोरी सुनाने की कोशिश की जाती है। फेमस सेंटर्स आर लखनऊ एंड जयपुर। लखनऊ स्कूल डिपिक्ट्स मुगल कोर्ट एटिकेट क्योंकि मुगलों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था वहाँ पे, वाइल जयपुर स्कूल डिपिक्ट्स स्टोरीज ऑफ राजपूत किंग्स एंड गॉड्स। फेमस एक्सपोनेंट्स आर सितारा देवी, शंभू महाराज, उमा शर्मा, शोभना नारायण। अब हमने बात कर ली है कथक की तो कथक कली की भी बात करेंगे। कथक कली इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरल, ठीक है, केरल का है कथक कली। कथक कली इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरल। द वर्ड कथक कली लिटरली मीन्स स्टोरी प्ले, कथक कली का लिटरल मीनिंग होता है स्टोरी प्ले। कथक कली इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट थिएटर्स ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। फेमस एक्सपोनेंट इसके हैं वलाथोल, नारायण मेनोन, कुंजू कुरूप, इसके अलावा गुरु गोपीनाथ। कुचिपुड़ी जैसा कि बताया था आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इट इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया एंड इट हैड इट्स ओरिजिन इन आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है ये एग्जिबिट करता है सीन्स फ्रॉम द हिंदू एपिक्स, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है ये एग्जिबिट करता है सीन्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स, लेजेंड्स एंड माइथोलॉजिकल टेल्स। फेमस जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं कुचिपुड़ी के, दे आर लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इसके अलावा राजा एंड राधा रेड्डी, इसके अलावा स्वप्ना सुंदरी एंड यामिनी कृष्णमूर्ति इसके फेमस एक्सपोनेंट है। वही अगर बात करें तो नाम से ही समझ सकते हैं मणिपुरी मणिपुर से बिलोंग करता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। द मोस्ट स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ मणिपुरी डांस इज इट्स कलरफुल डेकोरेशन। काफ़ी ज़्यादा डांसर को यहाँ पर सजा दिया जाता है कलरफुली, लाइटनेस ऑफ डांसिंग फुट
एंड डेलिकेसी ऑफ अभिन्या यानी कि ड्रामा, लिल्टिंग म्यूजिक एंड पोएटिक चार्म इसमें होता है। पॉपुलर इसके एक्सपोनेंट्स रह चुके हैं जावेरी सिस्टर्स, रीता देवी, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह वगैरह। अब हम मोहिनी अट्टम, जो अगेन एक बहुत ही बड़ा क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम अगेन केरल से बिलोंग करता है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली केरल से, मोहिनी अट्टम केरल से। सो मोहिनी अट्टम जो है केरल से बिलोंग करता है। इट इज सोलो फीमेल डांस एंड इज नोन फॉर इट्स रिदमिक एंड अनब्रोकन फ्लो ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। इसमें रिदमिक एंड अनब्रोकन जो है फ्लो होता है बॉडी मूवमेंट का। एंड मोहिनी अट्टम हैज़ द ग्रेस एंड एलिगेंस ऑफ भरतनाट्यम एंड वीगोर ऑफ कथकली। तो मिला जुला है ये, ग्रेस और एलिगेंस जो है भरतनाट्यम और कथकली से मिला जुला है। फेमस एक्सपोनेंट जो हैं इसके, ठीक है, ऑफ दिस डांस फॉर्म आर कल्याणी अम्मा, इसके अलावा वैजयंती माला भी है, भारती शिवाजी एंड हेमा मालिनी भी इसी की हैं, ठीक है। हेमा मालिनी भी इसी की हैं, मोहिनी अट्टम की डांसर हैं। ओडिसी की बात करें, ओडिसी की, तो ओडिसी इज़ वन ऑफ द फेमस क्लासिकल इंडियन डांसेस फ्रॉम उड़ीसा स्टेट, ठीक है। ओडिसी जो है इट इज़ वन ऑफ द फेमस क्लासिकल इंडियन डांसेस है उड़ीसा स्टेट का। इट इज़ ग्रेसफुल एंड सेंसुअस, ठीक है, ग्रेसफुल है एंड सेंसुअस है डांस स्टाइल एंड इन्वॉल्व द त्रिभागा, दैट इज थ्री बेंड्स पोर्शन। नाउ विल डिस्कस अबाउट अगेन द सेम, अभी इसमें चल ही रहा है, द थ्री बेंड्स सिंबलाइज द मीन्स टू एस्केप द लिमिटेशंस ऑफ द बॉडी। तीन बेंड होता है इसमें बॉडी में। फेमस डांसर्स ऑफ ओडिसी आर इंद्रानी रहमान, सोनल मानसिंह, किरण सिंगल, रानी करना, सैरोन लोवेन एंड मायता बारवी। अब हम बात करें सत्रिया की, तो सत्रिया जो है ये जो है आसाम का जो है एक डांस है, क्लासिकल डांस बन चुका है सत्रिया। एंड इट वाज क्रिएटेड, देखिए आसाम का है याद रखिएगा, इट वाज क्रिएटेड बाय वैष्णव सेंट श्रीमंता शंकर देवा इन 15th सेंचुरी। इट इज़ ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय भोकोज होते हैं मेल मॉन्क्स इन मोनास्ट्रीज, बट नाउ बाय फीमेल ऑल्सो। द डांस इज बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल थीम्स। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन आसामीज म्यूजिक कॉल्ड बोरगीत, ठीक है, बोरगीत एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर खोल। खोल क्या होता है, ड्रम होता है, तलाश सिंबल्स होते हैं, इसके अलावा फ्लूट भी इसमें यूज किया जाता है। नाउ विल सी स्टेट वाइज देखेंगे और उनके जो है डांसेस, फोक डांसेस एंड ट्राइबल डांसेस स्टेट वाइज देखेंगे। तो महाराष्ट्र में जो है फेमस कौन कौन सा डांस है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र में है कथा कीर्तन, लेजीन, डांडनिया, तमाशा गफा, दही कला, लावनी, मौनी और दशावतार। इसके अलावा कर्नाटक में बात करें तो हुतारी, सुग्गी कुनीथा, यका संगना, ये सब कर्नाटका के जो है फोक डांस है। केरल में है कैकोती कली, कालियत्तम, ठीक है, कैकोती कली, कालियत्तम और इसके अलावा टपटी कली। तमिलनाडु में कोलत्तम, पिन्नल कोलत्तम, कुम्मी, केवाड़ी और करागम। आंध्र प्रदेश में है घंटा मर्दाला, विधि नाटकम, इसके अलावा बुर कथा। फिर उड़ीसा की बात करें तो घूमरा संचार है, छाद्या डांडनता है, छऊ है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कथी है, छऊ है, बाउल है, कीर्तन है, जतरा है, लामा है। और असम की बात करें तो बिहू है, खेल है, गोपाल है, रासलीला है, तबल चुंगली है, कैनोई है। वही बात करें पंजाब की तो पंजाब में गिद्दा चलता है, वुमेन करती हैं और भांगड़ा करते हैं मेन, गिद्दा करती हैं वुमेन और भांगड़ा करते हैं मेन। जम्मू कश्मीर में राउफ और हिकात यहाँ का जो फोक डांस है। हिमाचल प्रदेश में झोरा, झल्ली, डांगली, महासू, जद्दा, झैंता, छरी, ये सब यहाँ का हिमाचल प्रदेश का जो है
ट्राइबल डांस, फोक डांस है। हरियाणा की बात करें तो झूमर, रासलीला, फग डांस, डाफ, धमाल, लूर, गुगा, खोरिया, गगोर, ये सब यहाँ का डांस है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे गरबा चलता है, डांडिया रास चलता है, टिप्पनी चलता है, गोम्फ चलता है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे चलता है गिनाद, चकरी, गंगोरे, तेरतली, ख्याल, झूलन, झूलन लीला, झूमा एंड सुसिनी। बिहार में जाट जाटिन, जादूर, छऊ, कथा, कठपुतली डांस, बखो डांस, झिझिया, झिसिया भी कहते हैं जिसे, समो चकवा, ठीक है, कर्मा, जतरा और नाटना जो है बिहार का है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी यहाँ पे चलती है, थोरा चलता है, चपेली चलती है, रासलीला चलता है और कजरी चलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कर्मा एक फोक डांस है, मेघालय का लाहो है, गोवा का मंडो है, मिजोरम का है खानतुम। ये पूछा जाता है तो थोड़ा सा ये वाला सिंगल वाला तो खासकर याद रखेंगे, आसान भी है। उत्तराखंड में छिदिया, पांडेव नृत्य, जागर्स और झोरा। अब हम बात करें क्लासिकल डांसर ऑफ इंडिया की, ठीक है, क्लासिकल जो डांसर्स हैं इंडिया के उनके देख लेते हैं। तो देखिए भरतनाट्यम से जुड़े हैं बाल सरस्वती, सी वी चंद्रशेखर भी हैं, लीला सैमसन है, इसके अलावा मृणाली सारा भाई हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, रुक्मणी देवी हैं, संयुक्ता पानीग्रही हैं, सोनल महन सिंह हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। कथक से जुड़ी हुई हैं भारती गुप्ता, बिरजू महाराज जुड़े हुए हैं, दमयंती जोशी जुड़ी हुई हैं, दुर्गा दास जुड़े हैं, गोपी कृष्णा जुड़े हैं, कुमिदिनी लाखिया जुड़ी हुई हैं, शंभु महाराज जुड़े हैं और सितारा देवी जुड़ी हुई हैं। कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं जोयशाला सीता रमैया, बेमपति चिन्ना सत्यम। इसके अलावा अगर मणिपुरी की बात करें तो गुरु बिपिन सिन्हा, झावेरी सिस्टर, नयना झावेरी एंड निर्मला मेहता और साविता मेहता इससे जुड़े हुए हैं। ओडिसी से देव प्रसाद दास जुड़े हैं, धीरेन्द्र नाथ पटनायक जुड़े हैं, इंद्रानी रहमान जुड़ी हुई हैं, केलुचरण जुड़े हुए हैं, केलुचरण महापात्रा। इसके अलावा प्रियंबदा मोहंती। कथक कली से जुड़े हुए हैं मृणाली सारा भाई, गुरु शंकरन, नाम्बूर द्रिपद, इसके अलावा थोत्तम शंकरन, कुट्टी नायर, इसके अलावा शंकर कुरूप जुड़े हुए हैं, केसी पन्निकर, टीटी राम, कुल्टी नैयर एक्सेट्रा। मोहिनी अट्टम से जुड़े हैं प्रतिमा देवी, ठीक है, प्रतिमा देवी, संयुक्ता पानीग्रही, सोनल मान सिंह, इसके अलावा पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा और माधवी मुदगल। सत्रिया से जुड़े हैं जाटिन गोस्वामी, सरोदी साइकिया, इंदिरा बोरा, मनीराम दत्ता, अनीता शर्मा और प्रदीप चलीहा एक्सेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर की, ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर। सो इंडियन आर्किटेक्चर जो है विच हैज़ इवॉल्व थ्रू सेंचुरीज, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द रीजन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आर्किटेक्चर है किन बातों पे डिपेंड किया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन। देखिए सोशल इकोनॉमिक हमारा चेंज होता रहा है, क्योंकि कई बार शासन किसी और के हाथ में रहा तो सोसाइटी का जो है रंग रूप बदल गया, और ज्योग्राफिकल कंडीशन पर डेफिनेटली आर्किटेक्चर डिपेंड करता ही है। इंडियन आर्किटेक्चर इवॉल्व इन वेरियस एजेस इन डिफरेंट पार्ट्स एंड रीजन्स ऑफ द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल इवोल्यूशन, इंडियन आर्किटेक्चर वॉज जनरली अफेक्टेड बाई मेनी ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स। हिस्टोरिक डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो उसमें आप मुस्लिमों का आक्रमण इंक्लूड करेंगे, उसी में आप मॉडर्न पीरियड का भी आर्किटेक्चर देखेंगे, उसी में ही आप गुप्तों के समय के आर्किटेक्चर देखेंगे, पालों के समय के आर्किटेक्चर देखेंगे, तो हिस्ट्री को जो है आपको कंसर्न में लेना ही पड़ेगा। सो वी विल स्टार्ट विद द राजपूत आर्किटेक्चर। द राजपूत्स वेयर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो ये फोर्ट वगैरह बनाने का स्टार्ट किया था ये उन्होंने किया था,
एंड द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स बीइंग देयर फोर्ट्स एंड पैलेसेस. ठीक है, राजपूतों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर फाइनेस्ट एग्जाम्पल जिसे कह सकते हैं वो है फोर्ट्स उनके और उनके पैलेसेस. सो द राजपूत पैलेसेस आर कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस बिल्ट एज इनर सिटाडेल्स सराउंडेड बाई द सिटी एंड इनक्लोज्ड बाई फोर्टिफाइड वॉल्स एज एट चित्तौड़गढ़ एंड जैसलमेर. ठीक है, राजपूतों के अगर बात करें तो उनका जो है चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे उन्होंने अपने पूरा सिटाडेल को, इनर सिटाडेल को फोर्टिफाई कर रखा है, मतलब चारों तरफ से वॉल से घेर रखा है. सम फोर्ट्स सच एज दोज ऑफ भरतपुर डिग वेयर प्रोटेक्टेड बाई वाइड मोट्स. ठीक है, वाइड मोट्स से जो है उसे प्रोटेक्ट किया गया है. द पैलेसेस ऑफ जैसलमेर बीकानेर जोधपुर उदयपुर एंड कोटा रिप्रेजेंट्स द मैच्योरिटी ऑफ द राजपूत स्टाइल. अगर हम बात करेंगे तो ये सब जो है राजस्थान में आपको मिलता है, चाहे वो जैसलमेर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, कोटा हो, तो क्यों नहीं मिलेगा राजस्थान में. राजपूतों का स्थान इज राजस्थान. ठीक है, राजपूत वहाँ से भले माइग्रेट होके अलग जगह पे चले गए हों, बट राजपूतों का स्थान तो राजस्थान ही था. नाउ विल डिस्कस अबाउट द डेक्कन स्टाइल के आर्किटेक्चर. सो द आर्किटेक्चर ऑफ डेक्कन इज मार्क्ड बाई इट्स डिस्टिंक्ट ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाइल अनलाइक द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ अदर प्रोविंसेस. तो देखिए यहाँ पे मेनली क्या था डेक्कन में, एक तो सल्तनत पीरियड के आपको जो है आर्किटेक्चर मिलेंगे और दूसरे यहाँ पे टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे. तो मेनली जो है यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर मिलेगा और इस्लामिक बिल्डिंग आइडियल्स मिलेंगे, क्योंकि साउथ में जो है ना अलवर नयानर मतलब विष्णु शिवा के आपको टेम्पल बहुत मिलेंगे. सो इट डिराइव्ड इट्स एलिमेंट्स फ्रॉम द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली दैट ऑफ द डिस्टेंस पर्शिया. सम की फीचर्स ऑफ दिस स्टाइल बात करें द्रविडियन स्टाइल की, सो दीज आर प्रेजेंस ऑफ बल्बश डोम. जैसा कि ये ऐसा डोम होता है ना, तो ये मुस्लिम या फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर का सिंबल है. लोटस नेक मिलेगा आपको, इस तरीके का नेक मिलेगा, लोटस नेक जिसे कहते हैं. एंड प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ गेटवे मॉस्क लाइक चार मीनार. ठीक है, चार मीनार कहाँ पे है दोस्तों, ये हैदराबाद में है. नेक्स्ट इज मुगल स्टाइल. सो द मिडिवल पीरियड सॉ ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है, मिडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में विस्तार हुआ है. आज भी मुगलों के बनाए हुए जो सिंबल्स हैं एग्जिस्ट करते, जैसे कि ताजमहल, जैसे कि रेड फोर्ट, जैसे कि हुमायूं टॉम एंड एक्सेट्रा, आगरा फोर्ट एक्सेट्रा. सो द मिडिवल पीरियड्स ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर विद द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स टू इंडिया मेनी न्यू फीचर्स केम टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बिल्डिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड कैन बी कॉल्ड द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. ये जो पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसे हम नाम दे सकते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और द इंडियन आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक आर्ट. तो ये मिक्सचर है. ठीक है, मिक्सचर है. हमने ऐसा नहीं है कि अपनी इंडियन आर्ट को बिल्कुल यहाँ पे दाब दिया, ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है. इंडियन और इस्लामिक आर्ट का मिक्स जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है. सो द इंडो इस्लामिक स्टाइल वॉज नीदर स्ट्रिक्टली इस्लामिक नॉर स्ट्रिक्टली हिंदू. तो ये मिक्सचर बन गया. एंड द अर्लीस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस पीरियड इज कौवत अल इस्लाम मॉस्क, जो कि कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर है. कौवत अल इस्लाम मॉस्क जो है वो कुतुब मीनार के अंदर है और इसे किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कौवत अल इस्लाम मॉस्क को. एंड कुतुब मीनार जो है वो तो इटसेल्फ दिल्ली में है ही. अब हम बात करेंगे पपेट्री की. पपेट्री की बात करेंगे तो द अर्लीस्ट पपेट शो इन इंडिया डील्ड मोस्टली विद द हिस्ट्रीज ऑफ द ग्रेट किंग्स, जैसे कि प्रिंसेस हीरोज एंड ऑल्सो पॉलिटिकल सेटायर इन द रूरल एरिया. तो पपेट डांस आपने देखा होगा, ऊपर जो है बंदे रहते हैं और धागे से बांध के पपेट को जो है उसका शो दिखाते हैं. एंड देर आर फोर टाइप्स ऑफ पपेट्री इन इंडिया. स्ट्रिंग पपेट्री, जहाँ पे धागे से बांध के पपेट्री की जाती है. सैडो पपेट्री होती है. रॉड में पपेट्स को लगा के उसको मूव करा के पपेट्री दिखाई जाती है. ग्रूव पपेट्री होती है. ग्लोब पपेट्री जो होती है हाथ में ग्लोब्स पहन के की जाती है. पेंटिंग की बात करेंगे दोस्तों, पेंटिंग की. सो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग्स इज जस्ट अबाउट एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया.
मतलब जब से पीपल ऑफ इंडिया इवॉल्व हुए हैं तब से आप कह सकते हैं कि पेंटिंग भी इवॉल्व हुआ है। एंड आप देख सकते हैं, जाके ट्रेस कर सकते हैं केव पेंटिंग्स, जो गुफाओं में आज भी तुम्हें पेंटिंग मिलेंगी ना, वो एग्जांपल है कि ह्यूमन की हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है इंडिया में तब से ही पेंटिंग उन्होंने करना शुरू कर दिया। भीमबेटका मध्य प्रदेश का एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल स्कूल की बात करें तो दिस स्कूल हैज़ अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ साउथ एशियन पेंटिंग एंड यूजुअली इट वाज कन्फाइंड टू द मिनिएचर्स, मतलब छोटे छोटे पेंटिंग किए जाते थे, ईदर एज बुक डिपिक्शन और एज इंडिविजुअल वर्क टू बी केप्ट इन एल्बम्स। तो मतलब छोटे छोटे पेंटिंग हुआ करते थे मुगलों के समय में, एंड दिस प्रैक्टिस मैटरलाइज फ्रॉम पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग्स विच विथ इंडियन इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू बुद्धिज्म एंड जैन का भी इसमें इन्फ्लुएंस दिखता है। इट वंडरफुली ब्लूजम्ड ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, काफ़ी फूला फला। लेटर दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग रिच्ड अदर इंडियन कोर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड आफ्टरवर्ड सिखों तक ये पहुँचा मुगल स्टाइल का। अकबर एंड जहांगीर देवर द एक्सेप्शनली ग्रेट पैटर्न ऑफ दिस पेंटिंग, और इनमें भी अगर दोनों में बात करें तो जहांगीर जो था ही वॉज द, इसके समय में पेंटिंग जो है मुगलों के समय की प्रकाष्ठा पे थी। एंड मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग रिवॉल्व अराउंड द कोर्ट सीन्स, इसमें बेसिकली क्या है मैटर क्या है इन पेंटिंग्स में, तो वो कोर्ट सीन दर्शाए जाते थे पेंटिंग के थ्रू, पोर्ट्रेट्स दिखाए जाते थे, हंटिंग सीन्स दिखाया जाता था, लवर्स बैटल फ्रंट्स एक्सेट्रा दिखाए जाते थे। सो द मुगल्स इंट्रोड्यूस टू न्यू कलर्स, पिकॉक ब्लू एंड इंडियन रेड। अब बात करेंगे हम राजपूत स्कूल की। सो दिस स्कूल प्रोग्रेस्ड एंड थ्राइव्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इन द मेजेस्टिक राजपूताना कोर्ट्स। ओके, दिस स्कूल प्रोग्रेस्ड एंड थ्राइव्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इन द मेजेस्टिक राजपूताना कोर्ट्स एंड दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लडेड फ्रॉम द अप्रोच ऑफ मुगल पेंटिंग। थोड़ा सा मुगलों के पेंटिंग का अप्रोच इसमें दिखता है। 18वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा जो है ये फेमस हुआ था। ए टिपिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग विद पार्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम अप इन एवरी राजपूत रियल्म। दिस स्कूल इलस्ट्रेटेड एंड असॉर्टमेंट ऑफ थीम्स लाइक लैंडस्केप्स दिखाए गए हैं इसमें। इसमें इवेंट्स फ्रॉम महाभारत, रामायण, कृष्णा के लाइफ से रिलेटेड और ह्यूमन बींग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इनकी पेंटिंग्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की। सो दिस स्कूल वॉज ए फैशन ऑफ आर्ट विथ विच प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। इंडियन नेशनलिज्म जो है यहाँ से ग्रो होता है। दिस वॉज ग्रेटली लिंक टू द पेंटिंग, इंडियन नेशनलिज्म, जहाँ पे अरविंदो बहुत बड़े पेंटर निकल के आए। ब्रिटिश आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो सपोर्टेड द एंड प्रमोटेड दिस स्कूल, बंगाली स्कूल को इन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी फाइन ये पेंटिंग करते थे, भारत माता की भी पेंटिंग करते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो राजा रवि वर्मा, इनकी पेंटिंग देखना, बहुत मस्त पेंटिंग करते थे। एंड अवनींद्रनाथ टैगोर, दे वर द अमंग्स द पाइनियर आर्टिस्ट ऑफ दिस स्कूल, मतलब कि बंगाल स्कूल। टूडेज रिनोड आर्टिस्ट हु बिलोंग टू दिस स्कूल इंक्लूड नीलिमा दत्ता, सुदीप रॉय, परेश मैती एंड विकास भट्टाचार्य जी। नाउ विल सी द सम ऑफ द कल्चरल हेरिटेज साइट एंड द साइट विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट विल डिस्कस। सो महाबोधि टेम्पल बोध गया में, बिहार में लोकेटेड है। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला दिल्ली में, यहाँ पे हर साल 15 अगस्त को झंडा भी फहराया जाता है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में ही है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही एक बहुत बड़ा मीनार है जिसे इल्तुतमिश ने बेसिकली फिनिश करवाया था, कंप्लीट करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने फिनिश करवाया था। हुमायूं टॉम जो है ये अगेन दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा है ये। चैम्पनर आर्कियोलॉजिकल पार्क ये गुजरात में है। चर्चेज ऑफ ओल्ड गोवा गोवा में है ऑफकोर्स। जंतर मंतर जयपुर में है। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर जो कि कर्नाटका में ये प्रेजेंटली लोकेटेड है। पट्टा डक्कल जो है ये अगेन कर्नाटका में लोकेटेड है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अजंता केव्स महाराष्ट्र में अगेन लोकेटेड है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और एलोरा केव्स जो है अगेन महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा दोनों महाराष्ट्र में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के टेम्पल्स जो हैं चंदेलो से बिलोंग करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम सूत्र के बारे में दिखाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में। रॉक सेल्टर्स ऑफ भीमबेटका जहाँ पे माना जाता है कि अर्ली मेन रहा करते थे, उसमें पेंटिंग उन्होंने करी है,
दिस इज बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में एलिफेंटा आइलैंड पे है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है। महाबलीपुरम ये पल्लवों के आर्ट से रिलेटेड है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसके अलावा ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल ये तमिलनाडु में है। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश आगरा में ही है। फतेहपुर सिकरी अगेन उत्तर प्रदेश में है, आगरा से 30-35 किलोमीटर के आसपास दूर है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल में है, जिसमें दार्जिलिंग में मेनली है ये, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक ये माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है। नालंदा महाविहार बिहार में है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान राजस्थान में है। अहमदाबाद सिटी गुजरात में है ऑफकोर्स। जयपुर सिटी राजस्थान में है। रानी की वाव ये गुजरात में है, ये पूछता है सवाल। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है। एंड विक्टोरियल एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई ये महाराष्ट्र में है। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ख़त्म होता है दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी भी बोला प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बाय बाय।